नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज हम बात कर रहे हैं रात के समय भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सूर्य अस्त होने के पश्चात हमारे जठराग्नि धीरे धीरे मंद होने लगती है और हमारी जठराग्नि के ऊपर ही भोजन के पाचन क्रियाएं निर्भर करती हैं। यदि आप रात को भारी भोजन करते हैं तो आपके शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं, आप रोगी हो जाते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है। इसी कारण से आप खूब एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो पाता। उसका बहुत बड़ा रीज़न अगर देखा गया तो वो खान पान है आपका। तो जब तक आप अपने खान पान को ठीक नहीं करेंगे, आपका वज़न कम नहीं हो सकता। आपको बहुत अधिक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वज़न को कम करने में। यदि आप अपने खान पान को ठीक कर लेते हैं तो आप कम मेहनत से ही आप अपना वज़न संतुलित कर सकते हैं, आप वेट घटा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि रात के समय आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, जिनको कफ बढ़ा हुआ है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, उनकी बॉडी में रात के समय जो भारी भोजन है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ठीक से। सबसे पहले तो सोने के समय से कम 3 घंटा पहले भोजन कर लीजिए। अगर 3 घंटा पहले नहीं कर सकते तो 2 घंटा पहले तो आपको भोजन कर लेना ही चाहिए। और सोने से 1 घंटा पहले अगर आप दूध पीते हैं तो 1 घंटा पहले दूध पी सकते हैं। इसके बाद आप कुछ भी न खाएं। अगर आप देर रात भोजन करके सो जाते हैं तो आपको भोजन में कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि भोजन ठीक से पाचन ही नहीं हुआ रात को। जैसे मैंने बताया कि हमारे सूर्यास्त होने के बाद पाचन क्रियाएं मंद हो जाती हैं, वो आपके भोजन को पचा नहीं पाती। तो रात के समय आप जितनी हरी सब्जियां हैं, लौकी, तोरी, टिंडे, परवल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। दालों में आप मूंग की दाल ले सकते हैं केवल, बाकी कोई दाल आप न लें। ख़ास तौर पर जिनको बॉडी में पेन रहता है, जॉइंट्स प्रॉब्लम रहते हैं, वो प्रोटीन के चक्कर में कई बार रात को अंडे या नॉनवेज इत्यादि का प्रयोग करते हैं। बॉडी में प्रोटीन तब आपको मिलेगा जब आपके खाए हुए भोजन का पाचन होगा। तो भोजन रात को आप हल्का करें, नॉनवेज, अंडे या ऐसे भारी पदार्थ न करें, उड़द की दाल का प्रयोग न करें। अधिक फाइबर वाली चीज़ों को आप बहुत देर में न खाएं। जैसे आप ऑफिस से घर लौटते हैं, कई बार ब्रेकफास्ट या लंच ठीक प्रकार से नहीं किया होता, भूख बहुत तेज होती है, तो आप घर पहुंचते ही खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन खाना खाने में और सोने में यदि आपका गैप प्रॉपर नहीं होगा तो आपका खाया हुआ भोजन केवल स्वाद योग्य होगा, उसका कोई आपको पोषण नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, सुबह का ब्रेकफास्ट आप अच्छे प्रकार से करें। जो भी आपको खाने में पसंद है आप सुबह के ब्रेकफास्ट में खाएं, या लंच में आप उसको खा सकते हैं। रात के खाने में आप जितना हल्की चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से, तो इन सभी पदार्थों को आप रात को खा सकते हैं। रात को आप दूध भी सकते हैं। दूध पीने से रात को नींद अच्छी आती है और दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में इजी डाइजेस्ट हो पाते हैं। दूध में देसी गाय का दूध सबसे उपयुक्त माना गया है। तो आप इन बातों को ध्यान रखें और रात को कभी भी भारी भोजन न करें। आप लोग इन सब विशेष बातों का पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आप सभी लोग प्रसन्नचित रहें, निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।